इस वक्त तक बड़ी खबर आ रही है धनौरा से, किसान का मकान जलकर खाक हुआ। जी हाँ, एक तरफ लोकसभा चुनाव के तहत मतदान चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ किसान का मकान जल रहा था। किसान बियान सिंह डावर अपने छोटे भाई नीलेश डावर के मकान में रह रहा था। किसान बियान सिंह डावर ने बताया, मकान में ताला लगाकर मतदान करने में किराना सामान खरीदने के लिए दुकान पर गया हुआ था। वहीं दोपहर 4:30 बजे अज्ञात कारण से मकान में आग लग गई। वहीं धुधुकर मकान जल रहा था, तभी ग्रामीणों ने सूचना दी। तब बियान सिंह डावर, जो एक पेड़ से विकलांग, जो किसी की मोटरसाइकिल से बैठकर वहाँ पहुँचा जहाँ पर मकान जल रहा था। वहीं किसी ने ग्रामीणों ने 100 डालकर फोन लगाया। धनोरा पॉइंट के 100 डाल वाहन के चालक ललित सोनी व आरक्षक राधेश्याम सिसोदिया मौके पर पहुंचे। वहीं ग्रामीण भाटा निवाल ने बताया, पटेल फलिया में पानी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आग इतनी भयानक लगी हुई थी कि आग पर काबू नहीं पाया जा सकता। तभी 100 डाल के कर्मियों ने सेंधवा फायर फाइटर के लिए दोपहर 5:30 बजे फोन लगाया, जो 6 बजे फायर फाइटर वाहन आया। वहीं आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक मकान पूरी तरह खाक हो चुका था। चाचरा के प्रधान आरक्षक एहतसाम मंसूरी ने बताया कि बियान सिंह डावर ने बताया कि उसके मकान में अनाज, बर्तन, घर का सामान, बिस्तर, सरकारी दस्तावेज, आधार कार्ड, परिचय पत्र, खेत की पावती सभी जलकर खाक हुआ। लगभग 2 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारा संवाददाता धनौरा से, अजय बैरागी से। हाँ जी अजय जी, बताएं क्या घटनाक्रम हुआ है धनौरा में। ग्राम धनौरा से करीब 5 किलोमीटर ग्राम रामकुल्ला है। यहाँ पे रामकुल्ला में एक किसान का मकान अज्ञात कारणों से जलकर खाक हो गया है। कारण क्या है उसका, आग किस तरह से, किस कारण से लगी है? आग बताया जा रहा है कि जो किसान था वो मतदान कर चुनाव के तहत मतदान करने गया था। अच्छा। और वहाँ से किराना सामान खरीदने गया था और वापस उसको ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली कि आपका मकान जल रहा है। कितना नुकसान हुआ है, कुछ मालूम पड़ा है क्या? पुलिस के चैत्र चौकी के प्रधान आरक्षक ने बताया कि करीब 2 लाख का नुकसान हुआ है। जी हाँ, ठीक है। तो ये थे हमारे संवाददाता अजय बैरागी धनौरा से, जिन्होंने बताया कि लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, पुलिस के द्वारा बताया गया है। आग लगने का कारण अभी तक